जेमविडी बिजनेस एक समृद्ध जीवन आप सभी लोगों को दे सकता है। जेमविडी बिजनेस रास्ता सपनों को हकीकत में बदलने का। 2012 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है और आज 25 राज्यों में जेमविडी बिजनेस लगातार फल रहा है, फूल रहा है और लगातार प्रगतिशील है। श्रद्धा और सबरी का एक प्रमाण है जेमविडी बिजनेस। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए, जो पूरी दुनिया है वो दो भागों में बटी है, 90% लोग, 10% लोग। 9 महीने में ही दोनों का जन्म होता है, लेकिन 90% लोग 10% पैसे के मालिक बनते हैं और 10% लोग 90% पैसे के मालिक बन जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। 90% लोग अपनी फैमिली को जरूरत भरा जीवन देते हैं, लेकिन 10% लोग अपनी फैमिली को चाहत भरा जीवन देते हैं। 90% लोग धन के लिए काम करते हैं, लेकिन 10% लोग संपत्ति के लिए काम करते हैं। और अगर आप धन के लिए काम कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, आप जरूरत भरा ही जीवन जी पाएंगे, लेकिन अगर आप संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं तभी आप अपने परिवार को या अपने आप को एक चाहत भरा जीवन दे सकते हैं और 90% पैसे के मालिक बन सकते हैं। 90% लोग वर्तमान बनाने वाला काम करते हैं, लेकिन दुनिया के 10% लोग भविष्य बनाने वाला काम करते हैं। उदाहरण आपके सामने, महेंद्र सिंह धोनी। अगर उन्होंने वर्तमान बनाने वाला काम किया होता तो आज वो नौकरी कर रहे होते, टीटी बनकर सीटी मार रहे होते, किसी स्टेशन पर पीटी कर रहे होते, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे, और वर्तमान बनाने के लिए 40-50 हजार, 60-70 हजार रुपए की हर महीने आमदनी ले रहे होते। लेकिन उन्होंने वर्तमान बनाने वाला काम छोड़ा और भविष्य बनाने वाले काम से अपना रिश्ता जोड़ा और आज देखिए 15-16 साल मेहनत करके 2004 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में उनकी एंट्री हुई है और 2020 में वो रिटायर हो गए हैं। 16 साल में उन्होंने अपना भविष्य का भी भविष्य बना लिया। अभी उनके पास जितना जीवन बचा है पूरा भविष्य उनका बना है, उनको वर्तमान बनाने की जरूरत नहीं है, उनके भविष्य का हर वर्तमान बन गया है। आने वाली पीढ़ियों का भी उन्होंने भविष्य बना लिया है, पीढ़ियों का भी उन्होंने भविष्य बना लिया है। तो आप सोचिए कि ये कहाँ से हुआ। अगर वो धन कमाने के लिए काम करते तो नौकरी कर रहे होते, लेकिन उन्होंने संपत्ति बनाने के लिए काम किया। और याद रखना, संपत्ति हमेशा नेटवर्थ में गिनी जाती है और आज 90% लोगों को नेटवर्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो ये जानते ही नहीं है नेटवर्थ क्या होती है। आज इंसान पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर उसको बोलो आप किसके लिए पढ़ रहे हो तो बोलेगा हम सैलरी के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको एक अच्छी सैलरी मिले। सैलरी से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नेटवर्थ बनाने के लिए पढ़ाई कीजिए, आप वो काम कीजिए जिससे आपका नेटवर्थ बने। और दुनिया के 10% लोग दोस्तों इसलिए नेटवर्क करते हैं क्योंकि नेटवर्क ही नेटवर्थ बनाता है। और दुनिया के 90% लोग किसी ना किसी काम में 20 साल की उम्र में घुस जाते हैं। एक गाना गाते हुए, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, कौन से दिन पता नहीं है। यही गाना दादाजी ने भी गाया, यही गाना पापा ने भी गाया, यही गाना वो भी गा रहे हैं। और 20 साल से 60 साल तक कभी यहाँ चला कभी वहां चला, जाने कहाँ मैं कहाँ चला, ये गाना वो गाते रहते हैं। कभी धन कमाने के लिए एक नौकरी पकड़ ली दूसरी छोड़ दी, कभी दूसरी पकड़ ली तीसरी छोड़ दी, कभी दुकान कर ली, कभी दुकान बंद करके फिर से नौकरी पकड़ ली, कभी नौकरी छोड़कर रिक्शा खरीद लिया, ऑटो रिक्शा खरीद लिया, गाड़ियां खरीद लिया, मतलब दुनिया भर के काम, कभी यहाँ चला कभी वहां चला, जाने कहाँ मैं कहाँ चला, उनको भी पता नहीं होता है, बदलते रहते हैं और चलते रहते हैं। और फिर 60 साल की उम्र में तीसरा गाना गाते हैं, जिंदगी की तलाश में मैं मौत के कितने पास आ गए, मैं था जिस सफर पे चला उसकी कोई मंजिल नहीं, सारी उम्र जो मैंने किया अंत में कुछ हासिल नहीं। ये गाना उनके दिमाग में 60 साल की उम्र के बाद चलता है, जब उनको एक एक पैसा अपने बच्चों से मांगना पड़ता है, सारी सेविंग उनकी खत्म हो चुकी होती है, तब उनको ये गाना याद आता है। और फिर 70-80 साल में जब भी भगवान उनको बोलते हैं कि बेटा वापस आ जाओ, बहुत तुमने खेल लिया, जितने दिन के लिए तुम्हें भेजा गया था वो पूरा हो चुका है, तब वो एक गाना गाते हुए जाते हैं,
कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा रह गया। क्यों कोरा रह गया? कि वो ये नहीं जान पाते। और जीवन में हमेशा याद रखें, कभी भी ये मत सोचे कि ये हो गया, हमेशा सोचे क्यों हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि आपने वर्तमान बनाने के लिए जिंदगी भर काम किया, आपने धन कमाने के लिए काम किया, आपने हमेशा अपने आज को देखा, आपने भविष्य और भविष्य के भविष्य को देखना कभी नहीं चाहा, आपने अपनी गलतियां कभी सुधारना नहीं चाहा, आपने ये सोचा मेरा वर्तमान भी बर्बाद ना हो और मेरा भविष्य भी बर्बाद ना हो। ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक इंसान सोचे कि मेरा दूध भी ना फटे और पनीर भी बन जाए, कोई सोचे मेरा बीज सड़े भी ना और फसल भी आ जाए, कोई इंसान सोचे कि मैं कुंवारा भी रह जाऊं और शादी भी हो जाए। ये तो फिर वैसे ही हो गया कि बिना मरे स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने परिवार में 10% लोगों में आने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं, जो कि जब से दुनिया बनी है आज तक शायद आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति 10% में नहीं आ पाया है। आपको कभी नहीं बताया जाता कि हमारे खानदान में एक व्यक्ति ऐसे भी पैदा हुए थे जो बहुत अरबपति खरबपति थे, तो आपको ये मौका मिल रहा है। याद रखना, अगर आप अमीर घर में पैदा हुए हो तो आप केवल एक सुख ले सकते हो, पैसे का, अमीरी का। लेकिन अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो आप दो सुख ले सकते हो, अमीर होने का भी और कहानी बनाने का भी। जैसे धीरूभाई अंबानी गरीब घर में पैदा हुए लेकिन अमीर बन के मरे, तो आज उन्होंने अमीरी का सुख भी लिया और एक कहानी भी बना गई। आज मुकेश अंबानी या मुकेश अंबानी के बेटे वो अमीरी का सुख तो ले सकते हैं लेकिन धीरूभाई अंबानी की वो कहानी कभी नहीं पाएंगे। तो आप बदनसीब नहीं हो कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आप बहुत खुश नसीब हो कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो। ईश्वर का शायद आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसीलिए ईश्वर ने आपको बेचारा नहीं बनाया, ईश्वर ने आपको एक ऐसा परिवार नहीं दिया जहां पे सब कुछ आपको मिल जाए, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही करता है। भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर ने महल में नहीं पैदा किया, क्योंकि महल में भगवान श्री राम को पैदा करके उन्होंने देख लिया। जब विष्णु जी ने आत्ममंथन किया और आत्ममंथन करने के बाद उन्होंने देखा कि राम जी मतलब युवा अवस्था से विश्वामित्र के पास चले गए, फिर वहां से शादी करके आए तो वनवास चले गए, फिर वनवास से लौट कर आए तो फिर बहुत सारी चीजें और हुई। तो ईश्वर ने सोचा कि पूरी जिंदगी इस व्यक्ति ने संघर्ष किया फिर भी 14 कलाओं में युक्त हो पाया, लेकिन जो मुझे नया जीवन लेना है उसमें तो मुझे ज्यादा कलाओं में युक्त होना है। तो भगवान ने सोचा अभी काम युवा अवस्था से नहीं चलेगा, अभी काम बचपन से चलेगा। पिछला जन्म मैंने महल में लिया था, इस बार का जन्म मैं जेल में लेता हूं और बचपन से ही मुझे संघर्ष करना है। तो आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण को रोज एक आदमी मारने आता था और उस समय ना उनके पास हनुमान जी को भेजा भगवान ने और ना उनके पास भगवान ने उनको बचपन में चक्र ही दिया। आप सोचिए कि बड़े होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आप हमेशा चक्र देखते हो, भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने हनुमान जी आते हैं। यही सारी चीजें बचपन में भी तो हो सकती थी, लेकिन शायद अगर ये चीजें बचपन में हो जाती तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में युक्त नहीं हो पाती। तो ये ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए कि ईश्वर आपको समस्या दे रहा है ताकि आप उसे खेल सको। अगर क्रिकेट के मैदान में आपके सामने कठिन बॉल ही कोई नहीं डालेगा तो आपका नाम कैसे होगा? आज सचिन का सबसे ज्यादा नाम क्यों हुआ? क्योंकि सचिन ने दुनिया के सबसे कठिन कठिन गेंदबाजों के ऊपर रन बनाए, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे मुथैया मुरलीधरन हो, चाहे शेन वार्न हो, चाहे वो ब्रेटली हो, चाहे मैग्रा हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। तो मेरे भाई हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप अपने आप को 10% लोगों में शामिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इतिहास रचें ना कि इतिहास रटें, तो आपको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। और अब जितना भी जीवन आपके पास बचा है उसे नेटवर्क बनाने में लगा दीजिए, किसी भी प्रकार से नेटवर्क बनना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जिन लोगों ने भी दोस्तों नेटवर्क बनाया है, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एप्पल के मालिक हो, चाहे धोनी जी हो, चाहे शाहरुख खान जी हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे सचिन हो, चाहे कोहली जी हो,
दुनिया का हर वो अमीर और कामयाब इंसान जिन्हें लोग सौभाग्यशाली कहते हैं, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया दोस्तों लोगों का नेटवर्क बनाने। व्यापारियों ने क्या सोचा कि हम प्रोडक्ट बना के लोगों का नेटवर्क बनाएंगे। नेताओं ने सोचा कि हम वोट मांग के लोगों का नेटवर्क बनाएंगे। बाबा ने सोचा कि हम भक्त बना के लोगों का नेटवर्क बनाएंगे। और आज देखिए सबसे महंगा आटा बाबा रामदेव जी बेचते हैं, लेकिन किसी को घाटा नजर नहीं आता, क्योंकि उनके पास योग करने वालों का, पेट को अंदर बाहर करने वालों का नेटवर्क है, लंबी लंबी सांस लेने वालों का नेटवर्क है, हीरो के पास दर्शकों का नेटवर्क है। आज लोग सोचते रहते हैं इनकी पिक्चर कब आएगी, और जैसे उस हीरो की पिक्चर आती है, उनके जो मित्र होते हैं, फैन होते हैं, वो फैन की तरह घूमते हुए पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल में, और बाहर निकल के कहते हैं मजा आ गया, मजा आ और गया। क्योंकि करोड़ों रुपया तो जिसके पास गया वो बोलेगा मजा आ रहा है, लेकिन जिसका टिकट में 200-300-400 चला गया वो यही बोलेगा मजा आ गया। तो आप समझो चीज एक ही है, फिल्म एक ही है, किसी को करोड़ों कमवा रही है और किसी के जेब से पैसा ले जा रही है। तो जिसके पास नेटवर्क है उसको मजा आ रहा है, और जिसके पास वर्क है वो बोलेगा मजा आ गया। तो ऐसे ही खिलाड़ियों ने दर्शकों का नेटवर्क बनाया। आप देखिए क्रिकेट मैच होते हैं पहले ही सारी सीट बुक हो जाती हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति कहता था माही मार रहा है तो लोग कहते थे हम टॉयलेट बाद में जाएंगे। हम कहते थे क्यों भैया, करोड़ों रुपए आपके घर में आ जाएगा क्या? बोले नहीं, माही मार रहा है। हमने कहा ठीक है, अभी माही मार रहा है, आगे बहुत बड़ी महंगाई भी आपको मारने वाली है। तो लेकिन नेटवर्क बनाया धोनी जी ने। ऐसे ही फेसबुक, सोचिए एक विचार है कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिस पे बहुत सारे लोग अपनी फोटोएं डाल सकें, कमेंट कर सकें, एक दूसरे को लाइक कर सकें, अपने विचार प्रकट कर सकें। और ये एक आदमी की सोच, और इसने सोचा कि हर व्यक्ति को अपनी फोटो को एक दूसरे को दिखाने की बहुत चाहत होती है, तो उसने एक सोशल साइट बना दी फेसबुक के नाम से। बाद में बहुत सारी साइटें और आ गई, और आज देखिए फेसबुक ना नौकरी किया, ना डॉक्टर बना, ना इंजीनियर बना, ना वैज्ञानिक बना, ना प्रधानमंत्री बना, ना मंत्री बना, लेकिन आज कितने करोड़ों के मालिक हैं। क्या बनाया? नेटवर्क। नेटवर्क की ताकत समझिए दोस्तों, नेटवर्क में ही वो है जो आपको जीवन में आसानी दे सकता है। चिड़िया भी नेटवर्क की ताकत समझती है, इसलिए वो घोंसला बना डालती है तिनको तिनको को इकट्ठा करके। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि नेटवर्क की बात आम लोगों के समझ में ही नहीं आती। इसी इतनी बड़ी चीज को लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो चैन बनाने का काम है। भैया नेटवर्क चैन बनाने का काम नहीं है, नेटवर्क चैन पाने का काम है, नेटवर्क चैन से रहने का काम है। इस कोरोना काल में किसको रोना आया? जिसके पास वर्क था, चाहे वो कोई भी इंसान था, चाहे वो समोसा बेचता था, चाहे वो नौकरी करता था, कोई भी वर्क वो करता था। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस भी कंपनी की सिम आप चलाते हैं उसको हर महीने आपने रिचार्ज किया या नहीं? जिस भी कंपनी का डिश टीवी आपके घर में लगा है आपने हर महीने रिचार्ज किया या नहीं? क्या इन कंपनियों को कभी रोना आया? घर में बैठकर आपने यूट्यूब देखा तो नेटवर्क का टर्नओवर, यूट्यूब का टर्नओवर बढ़ा। गूगल पे आप जब भी कुछ सर्च करते हैं आप गूगल के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है दोस्तों, नेटवर्क। आज आप देखिए राजेश खन्ना जी, सबसे ऊपर देखिए राइट साइड में बहारों के सपने लिखा है, और बहारों के सपने में लिखा है 5 लाख रुपया। मतलब बहारों के सपने पिक्चर बनाने का इन्होंने 5 लाख लिया था, बंधन पिक्चर 1969 में बनाई 7 लाख रुपया लिया, आराधना 1969 में ही बनाई 7 लाख रुपया लिया, इत्तफाक 1969 में ही बनाई 7 लाख रुपया लिया। मतलब एक साल में इन्होंने 3 पिक्चर बनाई, 1969 में बंधन, आराधना, इत्तफाक, और 21 लाख रुपया इन्होंने एक साल में कमाया। किसके दम पे? नेटवर्क के दम पे। कौन से जमाने में? 1969, जब 1,000 रुपये कमाने वाले को हमारे समाज में बहुत अमीर कहते हैं। फिर आगे आप देखिए 1985 में 60 लाख रुपया इन्होंने हम दोनों का लिया, बेवफाई इन्होंने 1985 में ही बनाई 55 लाख लिया, बाबू इन्होंने 1985 में ही बनाई उसका भी 55 लाख लिया। मतलब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ये 1985 में एक साल में कमाए थे। आप सोचिए हमारे आपके दादा बाबा 1985 में क्या कमाए होंगे।
उनकी अपनी सोच रही होगी, वो अपने को बेचारा, किस्मत का मारा, महंगाई, पता नहीं कौन सी सगाई लुगाई, पता नहीं क्या क्या कहते रहे होंगे। लेकिन इन्होंने कमाने पर दिमाग लगाया, इन्होंने नहीं कहा कि मेरी लुगाई खर्चा बहुत करती है, कमाने पे दिमाग लगाया। और कमाने पे जब इन्होंने दिमाग लगाया तो कुछ समय भले इनको संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन इसके बाद आप देखिए 80-80 लाख रुपया एक फिल्मों का ले रहे। क्या था इनके पास, सोचिए। मैं आप लोगों से आज तर्कों पे बात करना चाहता हूं, अपने दिमाग को खोलिए, क्या था इनके पास। वैज्ञानिक थे, प्रधानमंत्री थे, क्या था इनके पास। आज के प्रधानमंत्री की सैलरी 5 लाख नहीं है, जाके पता कर लेना। और ये इंसान एक एक फिल्म बनाने का 5 लाख ले रहे और जिंदगी को जीकर चले गए, और हम लोग जिंदगी जीने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। $65 मिलियन की प्रॉपर्टी बना ली और सोचिए कैसे बंगले में जीकर खाकर पीकर, मतलब इन्होंने कभी कहा होगा इनका कि मैं जिंदगी काट रहा हूं। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए कैसे है जिंदगी चल रही है, बस कट रही है भैया, कौन से चाकू से कट रही है कि कट ही नहीं पा रही है, गुजर रही है। आदमी एक दिन गुजरता है और यहाँ लोग रोज गुजर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि नेटवर्क की ताकत समझिए, कुछ भी करो नेटवर्क बने, नेटवर्क नेटवर्क ही आपको ऐसी जिंदगी दे सकता है। आप देखिए इन्हीं के दामाद है अक्षय कुमार जी, $240 मिलियन, लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़, मतलब उन्होंने $65 मिलियन बनाई। लेकिन आज के समय चूंकि तब जो पैसा मिलता था उससे कहीं गुना ज्यादा आज पैसा मिल रहा है। आज एक फिल्म बनाने का 5 करोड़ 10 करोड़ मिल रहा है, तब 5 लाख 10 लाख मिलता था। तो आज ये $240 मिलियन की प्रॉपर्टी बना डाले। और नीचे आप देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये 5116 करोड़ के मालिक हैं शाहरुख खान। कितना क्या बनाया, नेटवर्क। सोचिए इनके 30 साल कुछ किसी और काम में चले गए होते। मेरे भाई नेटवर्क की ताकत समझिए अगर समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, ₹16,000 का कर्जा, लेकिन आज वही महेंद्र सिंह धोनी आप देखिए 786 करोड़ के मालिक हैं और कितने सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पद्म भूषण, LG पीपुल चॉइस, पद्म श्री, राजीव गांधी। अब ये टीटी बनकर सीटी मारते रहते तो मुझे बताइए इनको कोई अवार्ड मिलता कि बेटा तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने टिकट नहीं ली थी, अब तुमको पद्म श्री मिल रहा है। इनके घर में आज 1 करोड़ रुपया भी होता तो यहां से आप ये समझिए नेटवर्क, नेटवर्क बराबर नेटवर्क। आज गूगल ले लो, गूगल ने क्या सोचा, ये भी एक सोच है कि हम एक ऐसी साइट बनाते हैं जिसपे दुनिया की सारी जानकारियां हम डाल देते हैं और लोग वो जानकारियां लेने आएंगे और हमारा नेटवर्क बन जाएगा। ऐसे यूट्यूब है कि दुनिया की हर वीडियो डाल दो, चाहे भक्ति हो, चाहे गाने हो, चाहे कोई भी XYZ वीडियो हो, आप डाल दो, सारे लोग यूट्यूब देखें, एक सोच है। ऐसे फेसबुक है, ऐसे जोमेटो है कि लोग अपने घर से निकलकर नहीं लेने जाना चाहते खाना रेस्टोरेंट पे, उनको घर बैठे बैठे दे दो और नेटवर्क बना लो। तो दोस्तों सारा खेल किसका है, नेटवर्क का। और अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग, ये भारत को भी समझ में आने लगा है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। क्योंकि दोस्तों आज आप नौकरी कर लो, आप इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए, आज आप नौकरी कर लीजिए अनलिमिटेड पैसा आपको कभी नहीं मिल सकता, अनलिमिटेड समय आपके पास कभी नहीं होगा, अनलिमिटेड सम्मान कभी नहीं होगा, अनलिमिटेड सुरक्षा कभी नहीं होगा, अनलिमिटेड सर्कल कभी नहीं होगा, और 5 साल में रिटायर आप कभी नहीं होंगे। आप दुकान कर लीजिए, आप प्रोफेशनल बन जाइए, आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाइए, आप खेल राजनीति एक्टिंग में चले जाइए, सब चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप नेटवर्क कर लीजिए तो अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड समय, अनलिमिटेड सम्मान, अनलिमिटेड सुरक्षा, अनलिमिटेड सर्कल, और 5 साल नहीं 5 महीने में भी रिटायरमेंट हो सकता है। ये आपकी रफ्तार के ऊपर है कि आप 60 महीने में रिटायर होना चाहते हैं या 6 महीने में या 60 साल में। दोस्तों JMBD बिजनेस यही नेटवर्क बनाने का मौका आपको दे रहा है। JMBD बिजनेस भी एक सोच है कि लोगों को आपस में मिला दो, लोग प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे और आप बीच में पैसा कमाते रहेंगे। JMBD
इस सोच के साथ शुरू हुआ है और आज बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां इस सोच के साथ शुरू हैं, और जिन लोगों के ताकत समझ में आ गई और उन्होंने उस कंपनी के साथ मिलकर एक नेटवर्क 15 20 30 साल बनाया, आज वो एक बहुत शानदार जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों जेएमबीडी एक ऐसा काम है जो आपको 60 साल नहीं करना, केवल 6 से 60 महीना करना है, और आपके यहाँ से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड वैल्यू ले सकते हैं और अपने जीवन के सारे सपने आप यहाँ से पूरे कर सकते हैं। ये जेएमबीडी का पूरा मतलब है। और दोस्तों जेएमबीडी एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आयुर्वेद की जागरूकता पे काम कर रहा है। एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेएमबीडी पूरे विश्व में स्थापित करना चाहता है, दद्दा जी का ये उद्देश्य है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप जेएमबीडी बिजनेस करते हैं तो आप तो करोड़पति अरबपति बनेंगे ही, आप अपने देश को भी फिर से नंबर वन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप ये समझिए कि आप व्यापार करके केवल अपने परिवार को अमीर नहीं बना रहे, आप समाज और देश को भी अमीर बना रहे हैं। और देखिए, मेड इन इंडिया खरीदें, 100 दिन में बदल सकती है रुपए की तस्वीर। और रुपया पहले मजबूत होता था, 1917 में 13 रुपए बराबर $1 होता था, आज भले 80 डॉलर बराबर 1 रुपया हो चुका है, 80 रुपए बराबर $1 हो चुका है, लेकिन इन चीजों को हम लोग दोबारा बदल सकते हैं अगर हम जेएमबीडी को घर घर पहुंचाने की एक जिम्मेदारी ले लें। और दोस्तों एक प्रोडक्ट से जेएमबीडी शुरू हुई थी, दद्दा जी ने शुरुआत किया था माननीय श्री राजेश श्रीवास्तव सर जी ने 2012 में, और पंकज दद्दा, प्रभाकर सर, रमेश दद्दा और हम चार लोग दद्दा जी के एक सहयोगी के रूप में लगातार आगे बढ़े। और आज 5 लोगों से शुरू हुआ ये सफर, एक प्रोडक्ट के साथ, एक ब्रांड के साथ शुरू हुआ ये सफर। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट पूरे जेएमबीडी में आ चुके हैं। आज हर सब कुछ जेएमबीडी में मिल रहा है। पूरे भारत में आज जेएमबीडी डिपो और स्टोर खुल रहा है। और आज एक बहुत अच्छी चीज की तैयारी दद्दा जी ने हम सबके लिए और की है, जिसकी मैं घोषणा आज की मीटिंग में करूंगा, जिससे आपका टर्नओवर कई गुना बढ़ जाएगा। मीटिंग के अंत तक बने रहिएगा। भारत सरकार की गाइडलाइन में आज जेएमबीडी बिजनेस शामिल है। आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है और बहुत सारे लेडीज और बहुत सारे जेंट्स पूरे भारत में जेएमबीडी बिजनेस में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, एक अच्छा करियर बना रहे हैं, और बहुत जल्दी जेएमबीडी पूरे विश्व में आपको मिलेगा, इसकी भी दोस्तों तैयारी की जा रही है। दोस्तों आने वाले समय में जेएमबीडी बिजनेस में आप ऐसे मॉल कॉन्सेप्ट देखेंगे, अपनी तैयारियां बढ़ा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जेएमबीडी 2-व्हीलर 4-व्हीलर FMCG शोरूम, कॉस्मेटिक शोरूम, हेल्थ शोरूम, फुटवियर शोरूम, क्लोथ शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, मोबाइल कंप्यूटर, बुक्स, स्टेशनरी शोरूम, ये सब कुछ जेएमबीडी लाने वाला है। बहुत सारी तैयारियां ऐसे जेएमबीडी दद्दा जी कर रहे हैं जेएमबीडी में, जिससे आप लोगों के भविष्य को आगे बहुत ही ब्राइट बनाया जा सके। 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट जेएमबीडी में आने की तैयारी में है। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल भी एक दिन जेएमबीडी में होगा। आपको केवल दोस्तों नेटवर्क बनाने का मौका दिया जा रहा है। नेटवर्क बना दीजिए, जेएमबीडी से लोगों को जोड़ दीजिए, अपनी छोटी सोच को जोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और अपनी सारी एनर्जी जेएमबीडी की तरफ मोड़ दीजिए, और अपनी सारी बंदिशें 6 महीने और 60 महीने के लिए तोड़ दीजिए, और फिर अपने आप को सही से होड़ दीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है, पूरा गेम चेंज हो जाएगा अगले 60 महीने या 6 महीने के अंदर, और एक शानदार जिंदगी महेंद्र सिंह धोनी की तरह, राजेश खन्ना जी की तरह, यूट्यूब के मालिक की तरह, जोमेटो के मालिक की तरह, जेएमबीडी में नेटवर्क बना के आप लोगों के सामने होगा। दोस्तों जेएमबीडी बिजनेस से आप टोटल 12 प्रकार से इनकम ले सकते हैं। अगर आप इसकी केवल 3-4 फायदे लेना चाहते हैं तो केवल 1,000 रुपये MRP का सामान लेकर भी आप अपनी आईडी लगा सकते हैं, ज्वाइनिंग फ्री है। लेकिन अगर आप इससे टोटल 12-13 प्रकार की इनकम लेना चाहते हैं, सारे फायदे लेना चाहते हैं, तो जेएमबीडी बिजनेस आपको समृद्ध बनाने के पहले स्वस्थ बनाना चाहता है। इसीलिए आपके लिए जेएमबीडी बिजनेस ने एक बहुत अच्छा हेल्थ पैकेज तैयार किया है। उस हेल्थ पैकेज के माध्यम से आप जेएमबीडी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपने आप को एक स्वस्थ जिंदगी दे सकते हैं, और जेएमबीडी बिजनेस से अगले 17 महीने में करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा प्लान जेएमबीडी बिजनेस ला चुका है। लेकिन सबसे पहली इनकम, अगर आप जेएमबीडी में बहुत बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं तो दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम कमाने की जरूर आदत डालिए। ये पहला गियर है जेएमबीडी बिजनेस का, रिटेल करने की आदत जरूर डालें।
और कम से कम 100 लोगों को आप जेएमबीडी के प्रोडक्ट देंगे, ऐसी एक आदत डालें, क्योंकि ये पहली आदत आपको पहले महीने से 15-20-30 हजार रुपया कमवाने लगेगी, और आगे चलकर आपकी यही आदत आपको करोड़ों रुपया कमाने में मदद करेगी। दोस्तों आप समझिए, अमीर आदमी के घर में भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं और गरीब आदमी के घर में भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं, लेकिन अमीर आदमी एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करता है और गरीब आदमी एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम नहीं करता। तो आप भी अपने घर में जेएमबीडी का एक बहुत अच्छा मैजिक कॉर्नर बनाइए, और आज मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जेएमबीडी मैजिक कॉर्नर को दद्दा जी ने कंपनी के प्लान में शामिल कर लिया है। और अगर आप अपने घर में जेएमबीडी का एक अच्छा मैजिक कॉर्नर बनाते हैं और 25,000 रुपए का भी सामान आप अपने घर में रखते हैं, 25,000 से आप अपनी पहली बिलिंग कराते हैं, तो स्टोर से ही आपको 3% सस्ता प्रोडक्ट हर बार मिलने लग जाएगा। मतलब आप बेचकर भी रुपया कमाएंगे और मैजिक कॉर्नर पे जो सामान स्टोर से लेकर आएंगे उस पर भी आप रुपया कमाएंगे। और अगर आप 40,000 से अपना मैजिक कॉर्नर खोल रहे हैं तो आपको 4% का प्रॉफिट मैजिक कॉर्नर में हर स्टोर से मिल जाएगा जिस स्टोर से आप सामान लेंगे। इसमें स्टोर वालों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनकी एक अच्छी सेल होगी और जो भी मैजिक कॉर्नर उनसे जुड़ेगा उसको वो खुद सामान भी दे सकते हैं और उसको बिजनेस वैल्यूम भी दे सकते हैं और उससे उनका टर्नओवर बढ़ेगा। तो आज एक स्टोर अगर 8% प्रॉफिट पा रहा है लेकिन लोगों ने अपने घर में मैजिक कॉर्नर नहीं खोला है, तो जो लोग खरीदारी करते हैं वही स्टोर की सेल है और उसी पर वो 8% पा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक स्टोर से 10-20-25-50 मैजिक कॉर्नर जुड़ जाएंगे और 10 मैजिक कॉर्नर या 20 मैजिक कॉर्नर भी 25-25 हजार से या 40-40 हजार से ओपन हो गए, तो एक स्टोर की सेल कहाँ हो जाएगी, 4 40 × 10 = 4 लाख, 20 मैजिक कॉर्नर पे 8 लाख। अब एक जो स्टोर वाला है अगर वो 8 लाख का 4% भी पाता है तो 32,000 रुपया पा रहा है। कितनी बड़ी बात है, 32,000 रुपया उसको हर महीने आ रहा है केवल स्टोर से। लेकिन जब वो 8% कमा रहा था और उसको बिलिंग भी करनी होती थी तो क्या उसको 32,000 आते थे? और ये टीम भी कहीं ना कहीं स्टोर वाले के आसपास की ही होगी, और जितना स्टोर की सेल बढ़ेगी उतना आप लोगों की अवेयरनेस इनकम बढ़ेगी 2% और 1%। तो ये दद्दा जी से काफी लंबे समय से प्लान चल रहा था, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा रमेश दद्दा जी का, जिन्होंने इस पर दद्दा जी से पूरी बात की और दद्दा जी ने गहराई से इस पर सोचा और इस चीज को आज लागू किया। ये एक मील का पत्थर बनेगा दोस्तों, कहीं भी दूर जगह जहां पे लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको 25,000 से 40,000 रुपए का आप स्टोर दिलाइए, मैजिक कॉर्नर खुलवाइए और उनको 3 से 4% प्रॉफिट दीजिए, और वो खुद अपना बिल काट सकते हैं, अपनी टीम का बिल काट सकते हैं और अपने नजदीकी स्टोर से ही सामान ले सकते हैं। और दोस्तों मैजिक कॉर्नर अगर आपके घर में खुल गया तो आप समझ लीजिए कि महीने की 30-40 हजार रुपए की रिटेलिंग इनकम आपकी शुरू हो गई। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बदलने में देर मत लगाइए। देखिए मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ, कुछ दिन पहले आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जो रवीना टंडन जी थी वो हेम पुष्पा का प्रचार करती थी, लेकिन आज वही रवीना टंडन जी सखी सच्ची सहेली का प्रचार कर रही हैं। ये दोनों ही टॉनिक महिलाओं के लिए वर्क करता है। तो ये बड़े बड़े लोग अपने को बदलने में देर नहीं लगाते हैं, और हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग जिन्हें बदलना होता है हम यही कहते नहीं जी हम तो लक्ष्य ही लगा रहे हैं, हम तो एन पेनली बे टॉफी ही खाएंगे। आज देखिए अमिताभ जी इतना अमीर हैं, इतना पैसा है अमिताभ जी के पास, तब भी इतने ब्रांड के लिए वो प्रचार करते हैं, मैगी के लिए, इमामी के लिए, पार्कर पेन के लिए, लक्स के लिए, डाबर च्यवनप्राश के लिए, कैडबरी के लिए, पेप्सी के लिए, टाटा स्काई के लिए, मैनकाइंड के लिए, कितने सारे, मतलब आप बताओ क्या इनको पैसे की जरूरत है? लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा समय निकाल लेते हैं बहुत सारा एक्स्ट्रा कमाने के लिए, तो अगर आपको जेएमबीडी एरोमा अच्छा लग रहा है, जेएमबीडी बीडन से आपको फायदा हुआ है, जेएमबीडी तुलसी से आपको फायदा हुआ है, जेएमबीडी शैम्पू से आपको फायदा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, या 500 प्रोडक्ट में जो भी जेएमबीडी में आपको अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताइए आपके जितने जानने वाले हैं वो आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं ना।
और अगर वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाए तो एक दिन जुड़ ही जाएंगे, और अगर वो जुड़ जाएंगे तो सोचिए जुड़ने के पहले कितना वो रिटेलिंग में आपको कमवाएंगे और जुड़ने के बाद आपकी टीम में आकर कमवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आपने अपने 100 कस्टमर की जिम्मेदारी ले ली कि मुझे 100 कस्टमर अपने बनाने हैं, और 100 कस्टमर बनाकर आप 20-30-40 हजार रुपया कमाने लग गए, और अपने इन 100 लोगों को आप दिखाओ कि मैं जेएमबीडी से 20-30-40 हजार रुपया महीना कमा रहा हूं बिना किसी को ज्वाइन कराए भी, तो आज कौन 100 कस्टमर की लिस्ट नहीं बना सकता। और आप सोचिए कि अगर आपके 100 कस्टमर में से 10 कस्टमर ने अपने 100-100 कस्टमर की लिस्ट बना ली तो आपकी टीम में 1000 कस्टमर की लिस्ट तैयार, और अगर 1000 कस्टमर महीने में 2000 का भी सामान ले रहे हैं तो 20 लाख का व्यापार आपका तैयार। जिस दिन आपके 100 कस्टमर अपने 100 कस्टमर बना लेंगे, आपके 10000 लोगों की टीम तैयार, और 10000 लोग अगर महीने में 2-3 हजार का सामान लें तो आप सोचिए आपके कितने करोड़ों रुपए का टर्नओवर हर महीने होने लगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, अब आप मुझे बताइए अगर ये काम आप कर लें तो आपके घर में समृद्धि आएगी या नहीं। सारे प्लान को छोड़ दीजिए, केवल रिटेल पर आइए, मैजिक कॉर्नर पर आइए, अपने 100 कस्टमर बनाइए और उन 100 कस्टमरों से पहले कमाइए, फिर उनके 100 कस्टमर बनवाइए ताकि वो कमाएं। और अगर आपने ऐसे 100 कस्टमर बना दिए तो भविष्य में वो कभी ना कभी ज्वाइन ही होंगे, और अगर आपने उनको कमाना सिखा दिया तो सबको आप 20-20 हजार रुपए से ज्वाइन करा सकते। और 100 कस्टमर से अगर आपको 3400 रुपया आ गया तो 3,40,000 रुपया, आप समझिए 3400,000 रुपया आपके घर में आ सकता है दोस्तों। ये है 100 कस्टमर की ताकत। समृद्धि आएगी या नहीं आएगी, क्या इस समृद्धि को पाने के लिए आप छोटा सा काम नहीं कर सकते, अपने घर में 25,000 से 40,000 का एक मैजिक कॉर्नर नहीं खोल सकते जिस पर आपको परसेंटेज मिल रहा है? और अगर आप एक ऐसे एरिया में मैजिक कॉर्नर खोल रहे हैं जहां अभी कोई स्टोर नहीं है, तो पहले आप मैजिक कॉर्नर खोल के वहां ग्राहक बढ़ाइए, और जब ग्राहक वहां बढ़ जाएं तो उसी एरिया का आप पूरा स्टोर ले लीजिए, ताकि भविष्य में उस एरिया में जितने मैजिक कॉर्नर खुलें 50, 100, 200, 500 सामान तो आप ही के स्टोर पे लेने आएंगे, और जितना सामान आपके स्टोर पे लेने आएंगे उतना आपके स्टोर की सेल बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जेएमबीडी बिजनेस, जब आप किसी को जेएमबीडी का एरोमा दे रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी को एरोमा बेच रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे एक बार एक पत्रकार था और वो जा रहा था, और वहां पर एक मंदिर बनाया जा रहा था, तो उसने सबसे पहले एक मजदूर से पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो? तो मजदूर का जवाब आया, देख नहीं रहे हो, मजदूरी कर रहा हूं। फिर पत्रकार आगे बढ़ गया, दूसरे मजदूर से उसने बोला कि भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, सर अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम कर रहा हूं। फिर वो और आगे बढ़ गया और तीसरे मजदूर से उसने पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो तीसरा मजदूर बोलता है कि भाई साहब मैं भगवान का घर बना रहा हूं। अब मुझे बताइए तीनों मजदूरों में किसका जवाब आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? काम तो तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन किसका जवाब सबसे ज्यादा अच्छा लगा? जो आप सोच के काम करोगे वही आप कर रहे हो। या एक कहानी मैं आपको और सुना रहा हूं कि मान लीजिए आप किसी तालाब में मछली पकड़ने जाएं, और आप तालाब में घुस घुस के एक एक मछली पकड़े, और उसी तालाब में एक दूसरा व्यक्ति आए, वो 4-5 डंडा लेकर आए, और वो तालाब के बाहर बैठकर अपने 4-5 डंडे कांटे में आटा लगाकर फेंक दे, और एक तीसरा व्यक्ति आए जो उसी तालाब में पूरा जाल फेंक दे, और आधे घंटे घंटे जाकर एक मूवी देखे, धारावाहिक देखे या सो जाए, और एक घंटे के बाद वापस आए और जाल निकाल ले। अब मुझे बताइए, एक घंटे आपने उस तालाब में एक एक मछली पकड़ने का काम किया, एक आदमी ने 5 डंडे के साथ काम किया, वहीं बैठा रहा, आप दोनों लोग उस तालाब में बिजी हो, आप एक मिनट बाहर नहीं आ सकते क्योंकि आपको मछली पकड़नी है, अगर आप बाहर आ जाओगे तो मछली कौन पकड़ेगा? लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे तालाब में जाल फेंक दिया, नेट फेंक दिया, और वो एक दो घंटे के बाद आ रहा है,
ज्यादा मछली किसके पास होगी और स्मार्ट वर्क किसने किया। तो दोस्तों जो अभी आपका दिल जवाब दे रहा है वही मानिए, पैसा कमाने के लिए उस व्यक्ति की तरह मेहनत मत कीजिए जो तालाब में घुस के एक एक मछली पकड़ रहा है। अगर आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक एक रुपया, 100-100 रुपया, 500-500 रुपया पकड़ रहे हैं और जिंदगी में कभी ज्यादा रुपया नहीं बना पाएंगे। और अगर जिस व्यक्ति ने 4-5 डंडे फेंक दिए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने एक दुकान खोली फिर दूसरी दुकान खोल ली, एक मेडिकल स्टोर खोला फिर दूसरा मेडिकल स्टोर खोल लिया, एक ब्यूटी पार्लर खोला फिर 4 ब्यूटी पार्लर और खोल लिए, एक क्लिनिक खोली फिर 4 क्लिनिक और खोल ली, सुबह कहीं बैठ रहे हैं, दोपहर कहीं बैठ रहे हैं, शाम को कहीं बैठ रहे हैं, रात में कहीं बैठ रहे हैं, सारा खेल क्यों हो रहा है? पैसे के लिए। लेकिन एक इंसान 5 साल मेहनत करता है जाल फेंकने में, वो एक बार तालाब में घुसता है, जाल फेंक देता है और फिर चला आता है। अब आप मुझे बताइए ज्यादा पैसा कौन बनाएगा? तो जो लोग अभी से जेएमबीडी में अपना नेटवर्क बनाने में लग जाएंगे, एक एक घर में जाकर जेएमबीडी का एरोमा देंगे, एक एक घर में जाकर जेएमबीडी का वीडेंट देंगे, एक एक आदमी को जेएमबीडी के मसालों की आदत डलाएंगे, एक एक आदमी को राइस ब्रांड की ताकत बताएंगे, एक एक आदमी को जाकर बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे और उनको जेएमबीडी का फूड सप्लीमेंट देंगे, वो सेल्समैन नहीं है, वो अपना नेटवर्क बना रहे हैं भाई साहब। अगले 5 साल में उनके घर में बहुत बड़ी समृद्धि होगी, उनके कारोबार में रोज वृद्धि होगी और उनको आप बहुत किस्मत वाला कहोगे, लेकिन वो एक अच्छे मत वाले हैं। एक सेल्समैन भी घर घर जाता है प्रोडक्ट बेचने, एक भिखारी भी घर घर जाता है भीख मांगने, लेकिन एक नेता भी घर घर जाता है वोट मांगने। क्या वो सेल्समैन है? क्या वो भिखारी है? नहीं, वो नेटवर्क बनाने गया है। ना वो कुछ बेच रहा है, ना वो आपसे कुछ भीख मांग रहा है, वो तो आपसे केवल मत का दान मांग रहा है और उस मत के दान से उसका कल्याण हो जाता है। पहले वो आपके घर घर जाता है, फिर 5 साल आप उसके घर घर जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है दोस्तों कि 100 कस्टमर आज रात में, अगर आप 6 महीने में समृद्ध होना चाहते हैं तो ये मीटिंग सुनने के बाद ये मत बोलिएगा कल लिस्ट बनाएंगे। नहीं, शादी की रात कभी हम सोते हैं, तभी हर रात हम चैन से सोते हैं। ये आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। 100 ऐसे नाम लिख लो कि कल आप 100 एरोमा खरीदो और सबके घर में एक एक एरोमा दे आओ, कल आप 100 वीडेंट खरीदो और सबके घर में एक एक वीडेंट दे आओ, 100 बॉडी लोशन खरीदो और सबके घर में एक एक बॉडी लोशन दे आओ, 100 राइस ब्रांड खरीदो और सबके घर में एक एक राइस ब्रांड दे आओ और कल ही आपका मैजिक कॉर्नर खुल जाए। याद रखना, आपके मत से आपकी किस्मत जुड़ी हुई है। आप क्या सोच के काम कर रहे हो? आपको 17 महीने के बाद 1 करोड़ रुपया अगर मिलने वाला हो तो आप क्या बोलोगे कि इसकी शुरुआत अभी 2 महीने के बाद करेंगे? आप सोचो आपका बहुत पुराना रुपया किसी के पास उधार है जो दे नहीं रहा है और वो इंसान का अचानक अभी मेरा मीटिंग पूरा होने के बाद आपके पास फोन आए और वो बोले कि भाई साहब जो मैंने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया था आज के 5 साल पहले और आपका बहुत फोन आया, मैं आपको दे नहीं पा रहा हूँ, मैं आज रात में 4 बजे आपके रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन होकर गुजरेगी और अगर आप रेलवे स्टेशन पर आ जाओ तो मैं वो आपका पैसा दे सकता हूँ जिसे आप इतने सालों से मांग रहे हो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अब आप मुझे क्या सोचो, आप उसको क्या बोलेंगे कि आज रात में मेरे घर में शादी है, ऐसा करना अगली बार आना तब दे देना, आज रात में मेरे पेट में गैस बनी है, नहीं नहीं अगली बार दे देना, आज रात में कहीं और जा रहा हूं, मेरा ट्रेन का टिकट हो चुका है, अगली बार दे देना। क्या पैसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। सोच बदलिए, क्या उस स्टेशन पर आप 4:59 पर पहुंचेंगे या 4:03:59 पर पहुंचेंगे या 4:01 पर पहुंचेंगे या पूरी रात अपनी वाइफ को बोलेंगे कि आज हम स्टेशन पर ही सो जाएंगे पेपर बिछा के? दोस्तों सोच बदलिए, अगर सोच नहीं बदलेंगे तो सितारे नहीं बदलेंगे, अगर दिशा नहीं बदलेंगे तो किनारे नहीं बदलेंगे। सोच बदलिए, जेएमबीडी का प्लान तैयार है। जेएमबीडी आप 100 का 100 मल्टीप्लाई करो, टर्नओवर दो, पैसा लो। अभी देखिए बंगाल की टीम, गुजरात की टीम, जहां जहां की नई टीम शुरू हो रही है, इतना जबरदस्त प्लान आ गया है कि जनवरी में उन लोगों ने काम किया और फरवरी में उन्होंने पैसा लिया, जिसने जितना लोड दिया उतना लोड उसने पाया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त,
समृद्ध होने का समय आ गया है। अपनी छोटी सोच से इसको मत गंवाओ। आज राजेश खन्ना वापस आकर समृद्ध नहीं हो सकते, आज लता मंगेशकर वापस आके समृद्ध नहीं हो सकती। जिंदगी का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन आपके जिंदगी का गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। जिंदगी का गेम अभी चेंज हो सकता है। श्रद्धा रखो जेएमबीडी पर, और सब्र रखो, और दिल से काम करो, और 60 महीने नहीं 6 महीने में काम करो, 14 फिल्में बैक टू बैक हिट कराओ और सुपर स्टार बन जाओ। 17 महीने बैक टू बैक वर्क करो, हर महीने अपनी मैचिंग डबल करो और 17 महीने में करोड़पति बन जाओ। समृद्ध बन सकते हैं, मौका मिल चुका है, लेकिन दोस्तों जिस सोच के साथ आप काम करेंगे वही आपको मिलेगा।